I am explaining important activity work of lesson number 14 on water resources. देखिए सम इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया आर ये कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है इंडिया के. देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. देखिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मीनिंग है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आर दोस प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं दैट आर एम एट फुलफिलिंग मेनी पर्पसेस. ठीक है इनका मेन जो एम होता है जो इनका मेन मकसद होता है प्रोजेक्ट को बनाने का उसका मकसद क्या होता है एम क्या होता है फुलफिलिंग मेनी पर्पसेस बहुत सारे पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं. ठीक है लाइक इरिगेशन सिंचाई के लिए खेतों की सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जितने भी हैं यहाँ पर भाखड़ा नागर डैम दामोदर वैली सरदार सरोवर डैम नीलावन डैम एंड नागार्जुन सागर डैम तो ये सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं. क्यों बनाए जाते हैं फॉर मेनी पर्पसेस जैसे कि इरिगेशन है फ्लड कंट्रोल है बाढ़ आ जाती है तो इसमें ये डैम्स में स्पेशल गेट्स होते हैं जो पानी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं. ठीक है एंड वाटर सप्लाई टू पीपल अब लोगों तक पानी की सप्लाई पहुंचती है बरसात नहीं हो रही है पानी नहीं आ रहा है सारा पानी जो है वो इसमें इकट्ठा हो रहा है रिवर से पानी मिलता है. तो ये सारे जितने भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है नंबर वन भाखड़ा नागर डैम ये जो है सतलुज रिवर पे बना रहे हैं और उसके टू स्टेट्स आती है पंजाब एंड हरियाणा. नेक्स्ट है दामोदर वैली प्रोजेक्ट ये दामोदर रिवर पर बना है एंड इसमें वेस्ट बंगाल स्टेट्स आती है स्टेट जो है वो वेस्ट बंगाल आती है. फिर सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर बनी है उसमें टू स्टेट्स आती है मध्य प्रदेश एंड गुजरात. नेक्स्ट नीलावन डैम